उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में 5 बिजली घरों से जुड़े 31 उपभोक्ताओं के बिलों से 47 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने है। आदिशासी अभियंता ग्रामीणों की आईडी से बिलों को ओटीएस योजना में समाहित किया गया। उपभोक्ताओं को जमा बिल की रसीद भी जारी कर दी गई, जबकि धनराशि विभाग के खाता में नहीं पहुंची तो उपभोक्ताओं के नाम पुनः बिल भेजकर उनके कनेक्शन काट दिए गए। मामले में अधिशासी अभियंता ग्रामीण फंस गए हैं। एक संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले की जांच जारी है। मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता इजहार अहमद की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। जांच में अधिशासी अभियंता ग्रामीण गुरुचरण लाल भटनागर को विभागीय दायित्व और आईडी के संचालन के कार्यों में लापरवाही का दोषी पाया गया। इसको घोटाला कहना गलत है। विद्युत वितरण खंड तृतीय में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कुछ उपभोक्ताओं के बिलों में हेराफेरी की गई थी, उनका धन अवैध रूप से घटा दिया गया, जिसको अधिशासी अभियंता वितरण खंड तृतीय द्वारा स्वयं संज्ञान में लाकर विधिक कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में इसकी जांच चल रही है पूरी। कितने कुल रुपए, कितने रुपए? 47 लाख रुपए का जो 31 व्यक्तियों का था, इसमें कुछ लोगों ने तो पैसा ही जमा नहीं किया था तो उसको तो इससे हटा देना चाहिए जो जुड़ गए। कुछ लोगों को जो जीरो बिल प्राप्त हो गए थे उनको अधिशासी अभियंता द्वारा संज्ञान में लेकर सभी को इंक्लूडिंग A to Z 27 लाख में उनके द्वारा नोटिस जारी किए गए समय रहते कि भाई आप इस पैसे को जमा कर दीजिए, छूट का लाभ उठाइए, परंतु वो लोग नहीं लिए हैं। कार्रवाई कोई हुई है? इसमें कार्रवाई चल रही है, विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, विधिक कार्रवाई चल रही है। अधिशासी अभियंता द्वारा जो उनके ऑपरेटर थे उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है और विभाग द्वारा भी कार्रवाई इसमें चल रही है।